तो ये है आपका जहानाबाद का एरोड्रम और ये जहानाबाद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और ये है गाइस आपका पूरा एरोड्रम खेलने के लिए, जो ऑर्डर कई बार स्टेडियम में एंट्री नहीं मिल पाता है तो वो खेलने के लिए यहाँ पे पूरा पूरा प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे संडे या सैटरडे हो यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते हैं। मेरे पीछे जो आप उधर देख रहे हैं अभी देखिए होम गार्ड की तैयारी चल रहा है तो तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि हमसे यादें जुड़ी हुई है, हमसे यादें इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हम इसी जगह पे मोटरसाइकिल सीखे, इस जगह पे कार सीखे, तो हम और जब भी मतलब हमारे दोस्तों का नाम आता है जब हम लोग साथ साथ बड़े हो रहे थे तो जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता रहता तो इसी जगह पे आते एलोड्रम, ऐसे एरोड्रम शुद्ध नाम है इसका। तो ये वही जगह है जहाँ पर मोदी जी भी भाषण दिए हैं, नीतीश कुमार भी भाषण दिए हैं और लालू प्रसाद तेजस्वी जितने भी नेतागण हैं बहुत कोई मतलब ये भाषण दे चुके हैं। एक तो मतलब कि बाहर मतलब जो भी आसपास के इलाके में पहले तो इतना इस जगह अब जो बिल्डिंग देख रहे हैं पहले इतना बिल्डिंग नहीं हुआ करता था मगर अब धीरे धीरे बन चुका है बिल्डिंग। तो और ये बाहर के मतलब बच्चे मान लीजिए आके खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। अगर बात करें सामने का तो सामने देख लीजिए ये आपका जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गाइस बैटरी ज़्यादा नहीं है तो आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके अपने शहर का वीडियो यानी मेरे होम टाउन जहानाबाद का, तो जो जो भी गाइस अगर आप लोग जहानाबाद से हैं तो बताइए कि इस फील्ड में कौन कौन आ चुका है। हम अभी आए हुए हैं आपका लोकेशन है जहानाबाद का क्रिकेट एसोसिएशन, चाहे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। पहले इसका नाम था क्रिकेट एसोसिएशन, फिर बाद में इसको नाम बदलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसलिए रख दिया गया क्योंकि यहाँ पे मतलब किसी भी तरह का स्पोर्ट्स करवाया जा। बात करें उद्घाटन का तो इसका उद्घाटन करीब लगता है 2004 में हो गया था और ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये वही मतलब यहाँ पे हर एक तरह का स्पोर्ट्स होता है, मतलब कि जिले में अगर किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो यहाँ पे आयोजन करवाया जा सकता है। और एक चीज और बता दें कि अभी इस प्ले ग्राउंड में 16 तारीख से आपको होम गार्ड का मतलब दौड़ यहीं पे होगा। जो लोग बाहर में तैयारी भी कर रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, बाहर का सीन फील्ड है आपका जो लगभग मतलब 400 मीटर का है क्योंकि मेरा दोस्त है वो दौड़ा करता था तो वो बताता था कि मतलब 4 राउंड मारते हैं तो 1600 मीटर होता है। और दोस्त वो दूसरा कोई नहीं सतीश ही है, तो वो पहले आर्मी की तैयारी करता तो इसमें दौड़ता। तो इस बात के लिए हम जानकारी दे दें आपको कि आज हम ये आपको जहानाबाद क्रिकेट एसोसिएशन दिखा रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो एक नज़र देख लीजिए आप भी मेरे होम टाउन का मतलब छोटा मोटा स्टेडियम कह सकते हैं जहाँ पे अगर किसी तरह का ऐसे जिला मतलब क्रिकेट यहाँ पे जब भी जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट वगैरह होता है तो यहाँ पे खिलाया जाता है। और अभी जो ये तैयारी देख रहे हैं आप ये 16 तारीख से होम गार्ड की, इसमें होम गार्ड का दौड़ होगा बाबू, पुलिस होता है ना जवान उसी का। तो जैसे ही हम गेट से बाहर निकले तो यहाँ पे एक हमको बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ है जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उद्घाटन दिनांक 15/12/2004 को माननीय लालू प्रसाद रेल मंत्री भारत सरकार के कृपा पूर्ण के कमलों द्वारा। गाइस बहुत ही पहले हम लोग कोशिश एक बार किए थे अपना प्रतिभा पलवना स्कूल दिखाने का मगर नहीं दिखा पाए थे। ये वही स्कूल है जिसमें बचपन में हम लोग पढ़ाई किए हैं, हम और कुछ हमारे दोस्त हैं। तो स्कूल का हालत तो अब बाहर से देखने में जर्जर लग रहा है और ये दर्दा नदी किनारे है तो ये चीज़ है, बढ़िया चीज़ ही है, देखने से तो यही चीज़ लग रहा है। गार्ड आकर देख रहा है कि आखिर क्या कर रहा है वो लड़का। तो ये हमारा प्रतिभा पलवन स्कूल था और फाइनली अब दिखाते चले, इधर इतना सारा मतलब घर नहीं पहले था, अब घर बन चुका है तो डेवलप हो रहा है। जिस तरह अगर बात करें ओवरऑल बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, पटना में हो रहा है, तो हमारे होम टाउन में भी हो रहा है, जहानाबाद में भी हो रहा है। देखिए
एमपीसी हाई स्कूल, ये पहले आपका निचले रोड में चलता था, अभी इतना बड़ा सा मतलब उठ गया बिल्डिंग इसका। ये रोड राम के किनारे, नदी के किनारे, सोच लीजिए। तो प्रोग्रेस है, ये बात है। ये सामने आपका एरोड्रम, और एक चीज़ और है यहाँ पे जो आपको हर कोई जानता होगा, इंडियन का सबसे पुराना कनेक्शन लोगों के यहीं का है, जो इसी के पास गोदाम उदाम है। तो ये यहीं से हम लोग अक्सर मतलब कभी कुछ गैस उसलाना रहता था तो यहीं से ले जाते थे, क्योंकि होम डिलीवरी वाला कनेक्शन हम लोग के पास नहीं था। तो ये एरोड्रम गाइस, और अपना एरोड्रम में हम आज